महाराष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से गुरुवार को ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास जीरो माइल फ्रीडम पार्क तक सड़क का महापौर दयाशंकर तिवारी, कुलपति सुभाष चौधरी और नगर आयुक्त राधा कृष्ण बी ने इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उप महापौर मनीषा धवड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता विनाश ठाकरे, वास्तुकला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसारे, कुलपति संजय दूधे, नसुप्रा की ट्रस्टी संजय बांगले, धर्मपेट क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील हिरनवर, सत्ताधारी पार्टी के उपनेता नरेंद्र बोरकर, वरिष्ठ पार्षद प्रदीप पोहाने, नगर सेवक निशांत गांधी, पार्षद रूपा राय, उज्ज्वला शर्मा, निगम के मुख्य अभियंता प्रदीप खवाले, अधीक्षण अभियंता अजय पोहेकर, धर्मपेट जोन के सहायक आयुक्त प्रकाश वर्दे, उप अभियंता अनिल गेदम, सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के राहुल गायकी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास जीरो माइल फ्रीडम पार्क तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद बिटुमेन कारपेट कोट के कार्य के कारण लोक समर्पण लंबित है। मेट्रो के जीरो माइल स्टेशन के अंतर्गत यह मार्ग नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी और मुख्य मार्ग पर यातायात भार को कम करेगा। हालांकि मेट्रो स्टेशन के तहत बीसी कोट के काम के चलते इसमें रुकावट आ रही थी। नागरिकों को इस सड़क की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को तत्काल समर्पित किया गया है। मेट्रो के जीरो माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन के तहत बीसी मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि वह मेट्रो को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय भवन से ओल्ड मॉरिस कॉलेज के पास जीरो माइल फ्रीडम पार्क तक 18 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लंबाई मेट्रो स्टेशन के तहत 64 मीटर सड़क को छोड़कर 615 मीटर है। वहीं सड़क का निर्माण फिनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क पर 464 लाख रुपए की लागत आई है। इस मार्ग के लोक समर्पण ने नागपुर शहर के नागरिकों को बड़ी सुविधा प्रदान की है। माध्यम से आज यह जीरो माइल से शुरू होकर नागपुर विश्वविद्यालय तक यह रोड जो डीपी रोड था, इसका आज हमने लोकार्पण किया। बहुत दिनों से यह लोकार्पण प्रलंबित है, ऐसा कुछ अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा था। मूलतः मेट्रो ने जो रेलवे स्टेशन बनाया है, उसके स्टेशन के नीचे का काम मेट्रो की जिम्मेदारी थी। मेट्रो ने वहाँ पर काम तो पूर्ण किया, परंतु जो अंतिम कोट होती है, जिसे हम कारपेट कोट कहते हैं, बीसी कोट कहते हैं, वह होना बाकी था। मेट्रो ने हमें यह रोड हस्तांतरित कर दिया, लेकिन बीसी कोट ना होने के कारण अभी तक हमने उसका उद्घाटन प्रलंबित किया था। आज हमने यह उद्घाटन कर दिया और आज रात में मेट्रो उस बीसी कोट को करेगी, ऐसा मेट्रो ने हमें विश्वास दिलाया। हमने अभी तक मेट्रो की रास्ता देखी, लेकिन आज हमने उद्घाटन कर दिया है और मेट्रो को निर्देश दिया है कि इस रोड में राहगीर को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुरंत आप उस बीसी कोट को कंप्लीट करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।